नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ पावर स्टेट कंपनी में दोस्तों ये भर्ती निकली है 140 पदों पर, उसकी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। एंड नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सैलरी क्या रहेगी, लोकेशन कहाँ पर रखेगी, क्या उसमें MP के या फिर अदर स्टेट के आवेदनकर्ता उसमें आवेदन कर सकते हैं या नहीं, सभी कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एंड यहां पर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए आपको पहले हमारी वेबसाइट पर ले चलते हैं। वेबसाइट का नाम है gornews24। जैसे ही आप लिखकर सर्च करेंगे आपको पहले वेबसाइट ओपन कर लेना है। जैसे ही आप पहली वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है, यहाँ पर आपको फॉलो का ऑप्शन दिख जाएगा, जरूर से हमारी वेबसाइट को फॉलो कर लीजिए नवीनतम अपडेट पाने के लिए। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी में 140 पदों पर भर्ती निकले, इसे देखने इस पर क्लिक कर दीजिए देखने के लिए। एंड यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी में 140 पदों पर निकली भर्ती ग्रेजुएट से लेकर इंजीनियर को मिलेगा मौका, ठीक है। ऐसे उम्मीदवार जिसके पास एक साल या अधिक काम का अनुभव है, जो या किसी संस्था में अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, वे इस भर्ती के लिए योग्य नहीं है। उम्मीदवारों को कंपनी में एक वर्ष की अवधि के दौरान ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। अप्रेंटिसशिप या तो 6 महीने की होती है दोस्तों, या फिर 1 साल की होती है, ठीक है। उसमें आपको काम सिखाया जाता है एंड यहाँ पर आपको उसके पैसे भी दिए जाते हैं। बात कर लें कि पद कौन सा है, तो अप्रेंटिसशिप का पद है। आवेदन शुरू होने की तारीख कौन सी दोस्तों, तो 11/9/23 से इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। एंड लास्ट डेट की बात करें तो 30/10/2024 तक इसकी लास्ट डेट है। एंड यहां पर आवेदन निःशुल्क है, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, चाहे वो ST, SC, OBC, EW सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए इसमें आवेदन फ्री है, ठीक है, निःशुल्क है। कुल पदों की बात करें तो 140 जैसे कि आपको पद बताया गया। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं एंड ज्वाइन हो सकते हैं, दोस्तों को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर चिन्हित कौन कौन से पद है, तो ग्रेजुएट, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको 65 पद दिए गए हैं, डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप है 55 पद रिक्त हैं, ग्रेजुएशन जनरल ब्रांच में 20 पद है और कुल पदों की संख्या 140 इस प्रकार से, ठीक है। आयु सीमा की बात करें तो नोटिफिकेशन में आयु सीमा का कोई जिक्र नहीं किया गया, इसलिए हम आपको नहीं बता सकते कि इसमें आयु सीमा क्या रहेगी, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि अगर आप चिन्हित किए गए पद, अगर आप ग्रेजुएशन में ग्रेजुएट में अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास होना चाहिए, डिप्लोमा अप्लाई करना चाहिए तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग की डिग्री भी होना चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते थे, ठीक है। एंड यहाँ पर सैलरी की बात करें दोस्तों, तो सैलरी आपको जो है वो ग्रेजुएट को 9,000 रुपए दी जाएगी एंड डिप्लोमा और अप्रेंटिसशिप को 8,000 रुपए दी जाएगी। अगर आप ग्रेजुएट में अप्लाई करते हैं तो आपको 9,000 रुपए दी जाएगी। अधिकतर मैंने देखा है कि अप्रेंटिसशिप अगर आप कहीं करते हैं तो आपको 9 से 10,000 के बीच में आपको सैलरी है वो 10,000 के अंदर अराउंड 10,000 के फिगर में आपको मिल जाती है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों पात्र उम्मीदवारों का चयन अहकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अंकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी, मुख्य चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी एवं चयन एवं प्रतीक्षा सूची से सम्मिलित उम्मीदवारों को उनके ईमेल द्वारा सूचित करते हुए निर्धारित तिथि को कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध बनवाने उपस्थित दर्ज निर्देश दिए जाएंगे। आवेदन किस प्रकार से करना है, उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करना है, इसमें कोई ऑनलाइन आवेदन नहीं है दोस्तों, निःशुल्क आवेदन है आपका। आवेदन कहाँ करना है, आवेदन का पता यहाँ पर देख सकते हैं, आवेदन जमा करने का पता क्या है, कार्यालय मुख्य अभियंता प्रशिक्षण विद्युत उत्पादन प्रशिक्षण संस्था छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेट कंपनी कोरबा पूर्व जिला कोरबा छत्तीसगढ़ 59,56,77 ये इसका पूरा पता है। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, आवेदन फॉर्म यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में इसका आपको आवेदन फॉर्म भी देखने को मिल जाएगा, तो सॉरी इसमें नहीं है आवेदन फॉर्म में, इसका अलग से आपको आवेदन फॉर्म बना के दे दिया जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर इसका आवेदन फॉर्म को आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट के साथ इसे भर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना आवेदन फॉर्म यहाँ पर PDF के साथ संशोधित नहीं किया है। तो इसमें आप अपना जो है वो सभी जानकारी भर दीजिए
जैसे आपको जिसमें अप्लाई करना है उसका लिख दीजिए ऊपर ही, एंड यहाँ पर आपको सभी डॉक्यूमेंट लगा देना है और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जो एड्रेस आपको बताया गया है उस एड्रेस पर भेज देना है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आप जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।